जय श्री राम। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube। और आज मैंने हर गाड़ी का जो डिटेल है पूरी वो एक पेपर पे मैंने लिख ली है, ताकि बार बार पूछना ना पड़े और बताना ना पड़े और आपको और मुझे कंफ्यूजन ना हो, डबलिंग ना हो बोलने में। तो ये XUV 500 2015 मॉडल है, सेकंड ओनर। सनरूफ के साथ ये आती है, न्यू सनरूफ इसके ऊपर है। और इसकी जो इन्होंने डिमांड कर रखी है वो है 7,75,000 रुपए की। 2015 मॉडल है, कंपनी रिकॉर्ड के साथ ये चली हुई है, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है। एक बार आगे आ जाओ अंकित भाई, एक बार इनको अंदर से दिखा दो। और ये है टॉप मॉडल W10, ठीक है। इसमें आपका टच स्क्रीन आ जाता है, सारा कुछ जो इलेक्ट्रिक सीटें आ जाती हैं, टेलीस्कोपिक और हाइड्रोलिक जो दोनों इसके जो स्टेयरिंग आ जाते हैं, वेंटिलेटेड सीट आ जाती है, थाई स्पोर्ट आ जाता है। आप अंदर से दिखाइए एक बार मुझे दीजिए, मैं ऊपर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इनकी सीटें आप देख सकते हैं दोनों। ये आर्म रेस्ट, ये म्यूजिक कंसोल, इनका टच स्क्रीन है, ठीक है। आपको इस गाड़ी के साथ जाने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और ये गाड़ी जो है ये गारंटी के साथ भी आपको मिल रही है। तो आप इनकी देखो पीछे की सीट देख लीजिए, बिल्कुल नई लेदर की सीटें, वेंटिलेटेड सीटें हैं। और ये पीछे का भी आप एक बार देख लीजिए, ये देखिए पीछे का मैं दिखा रहा हूं आपको, पीछे की सीटें जो है बहुत प्यारी गाड़ी है। 7,75,000 की इन्होंने देनी है। और आप अगर आओगे तो इसको कुछ और भी बार्गेनिंग इसकी हो जाएगी। अब आ जाइए दूसरी गाड़ी इनकी है, जो सियाज VDI प्लस 2016 मॉडल है। ये भी सेकंड ओनर है, फुल इंश्योरेंस के साथ, कंपनी रिकॉर्ड के साथ, बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल, ठीक है। इसके अब देख लीजिए टायर भी बिल्कुल नए हैं, क्रोम के जो हैंडल पे लगे हुए हैं, सीट कवर बहुत प्यारे हैं, शायद साथ के हैं, लेदर के लग रहे हैं मुझे, ठीक है। ये भी बिल्कुल साफ सुथरी गाड़ी है, एक बार दिखा दीजिए अंदर से, थोड़ा आगे आके थोड़ा सा इसको दिखाइए थोड़ा सा। और ये भी बहुत प्यारी गाड़ी है। और तो अभी सियाज के बाद जो तीसरी गाड़ी है ये है वरना SX ऑप्शनल ऑटोमेटिक। ये भी 2015 मॉडल है, और लेकिन ये है फर्स्ट ओनर। ये भी कंपनी टू कंपनी रिकॉर्ड है। इसका हल्का फुल्का जो बम्पर है वो पेंट है, ठीक है, ये इन्होंने मुझे बताया है। और इसका कुछ भी नहीं है, और बम्पर पेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है, बम्पर तो किसी से भी लग सकता है और पेंट हो सकता है। ये SX ऑप्शनल है, वेंटिलेटेड सीट के साथ आती है, बहुत प्यारी गाड़ी है अंदर से, आप इसको देख सकते हो, वेंटिलेटेड सीट के साथ है, लेदर की फिनिशिंग के साथ लेदर सीटें हैं, और कहीं भी कोई फटा हुआ नहीं है, कोई क्रैक नहीं है, कोई मेजर इशू अंदर नहीं दिख रहा, कोई भी जैसे होता है गंदा किया होता है, टूटा होता है, वो नहीं है। अब मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, पीछे वाली सीट ये देखिए कितनी साफ़ है, छत भी साफ़ है, खिड़कियाँ भी साफ़ है, आर्मरेस्ट दिख रहा है, सीटें बहुत बढ़िया है, एकदम कंफर्ट, जो बैठता है वो जानता है ये कितनी बढ़िया गाड़ी है, वरना है नाम से बिकती है।
तो काफ़ी अच्छी है, मेरे को अच्छी लगी गाड़ी ये, और 6,25,000 रुपये में सिर्फ आप इस गाड़ी के साथ जा सकते हैं। अब अगली गाड़ी आ जाइए, ये है आपकी मारुति सुजुकी की डिजायर VDI 2017 मॉडल, फर्स्ट ओनर, फुल इंश्योरेंस के साथ, ऑल ओरिजिनल, कंपनी रिकॉर्ड के साथ ये भी चली हुई है। जो भी गाड़ी मैं आपको कंपनी रिकॉर्ड के साथ बोलूंगा तो आपको उसका कंपनी रिकॉर्ड मिलेगा, अगर आप चाहो तो उसका आप कंपनी रिकॉर्ड निकलवा भी सकते हैं या इनको बोल के भी आप मंगवा सकते हैं। ये भी कंपनी रिकॉर्ड के साथ है, ये भी बंपर टू बंपर ओरिजिनल है। और ठीक है, देख लीजिएगा अंदर से, आपको दिखा दीजिएगा अंदर को गाड़ी, ठीक है। ये है VDI, बिल्कुल साफ गाड़ी है, नए सीट कवर चढ़े हुए हैं, मेरे ख्याल से अभी सीट कवर चढ़वाए हैं, बहुत नए और कुशिंग के साथ है, बिल्कुल बढ़िया सीट कवर है और बिल्कुल नई है, अंदर से दिख रही है कि नई गाड़ी है। हालांकि ड्राई क्लीन करवा रखी है जरूर, लेकिन ड्राई क्लीन करवा के बहुत नई लग रही है, बिल्कुल जैसे एजेंसी से आती है गाड़ी, ऐसी गाड़ी है। और इसकी जो डिमांड इन्होंने की है वो है 5.5 लाख रुपए, चारों के चारों टायर नए हैं, पांचों टायर इसके नए हैं, क्योंकि जो इसकी स्टेपनी है अनयूज्ड है। आप एक बार देख लीजिए कितनी नई गाड़ी है ये, ABS के साथ आती है, नंबर है इसका जो VIP है, आगे वाली भी खोल दे सारी, बिल्कुल नई और एक साफ सुथरी गाड़ी है ये, तो इसके साथ आप जा सकते हैं 5.5 लाख रुपए में। अब नेक्स्ट गाड़ी जो है आपकी वो है स्विफ्ट VDI 2015, फुल इंश्योरेंस के साथ, और सेकंड ओनर है ये, ठीक है। जो स्विफ्ट के दीवाने हैं, यहाँ पे स्विफ्ट की भरमार है, कम से कम 4 से 5 स्विफ्ट यहाँ पे खड़ी है। ब्लैक डैशबोर्ड है ये अंदर से सारा का सारा, और ये भी कंपनी रिकॉर्ड के साथ आपको मिलेगी, और इसकी डिमांड कर रही है 3,95,000, मतलब डिमांड नहीं कहूंगा मैं इनको, इनको ये देनी है, जो भी थोड़ी बहुत इसमें बार्गेनिंग और भी रहेगी तो वो भी आपको यहाँ आने के बावजूद मिल जाएगी। तो इस गाड़ी के भी चारों टायर बिल्कुल नए हैं, कोई डेंट वेंट इसमें दिख नहीं रहा, शायद होगा नहीं है, रबिंग वगैरह जो ये करवाते हैं जो भी थोड़ी बहुत वो जरूरी भी है, क्योंकि हल्के फुल्के जो स्क्रैचेज है उसमें गाड़ी भी अच्छी नहीं लगती। तो ये भी 3,95,000 में आपको गाड़ी मिल रही है, इसके साथ आप जा सकते हैं। तो अब आ जाइए आल्टो K10 VXI 2018 फर्स्ट ओनर, और 40,000 सिर्फ चली हुई है कंपनी रिकॉर्ड के साथ, बिल्कुल नई गाड़ी, आर्मी पर्सन की गाड़ी है, और नई कितने इसका तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, एक्सप्लेनेशन की इसको गाड़ी को कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल अनटच गाड़ी, ठीक है। इसके साथ आप जा सकते हो, और ये गाड़ी है 3.5 लाख रुपए की, और इसका टायर इसके भी बिल्कुल नए पड़े हैं, कंपनी रिकॉर्ड के साथ है, और बहुत बढ़िया गाड़ी है। तो जिसको आल्टो K10 छोटी गाड़ी के साथ जाना है, 1000 cc वाली है ये, तो आप इसके साथ जा सकते हो 3.5 लाख रुपए में। अब आगे आ जाइए वैगनार, ये देख लीजिए, जिस गाड़ी का बताऊं ना नंबर दिखा देगा थोड़े से ना। अब ये है वैगनार, ये भी 2017 ऑटोमेटिक VXI है, फर्स्ट ओनर, और ये सिर्फ 36,000 जेन्युइन चली हुई है, और ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, छोटी गाड़ी, जिसको वैगनार ऑटोमेटिक चाहिए तो इसके साथ जा सकते हैं। इसका इस गाड़ी में जो स्पेस है मारुति ने भर के स्पेस दिया हुआ है, ठीक है, यहीं का लोकल नंबर है, और 36,000 जेन्युइन कंपनी रिकॉर्ड के साथ, ये बिल्कुल नई गाड़ी जो इनके पास आई हुई है, आप इनके साथ आराम से जा सकते हैं, कम बजट की गाड़ियां है, और इसकी जो इन्होंने डिमांड कर रखी है 4,25,000 रुपए, ठीक है, 4,25,000 में आपको ये गाड़ी मिल रही है। तो अब आ जाइए मारुति सुजुकी की सिलेरियो, ये भी VXI ऑटोमेटिक 2017 मॉडल है, और ये भी 40,000 से 42,000 जेन्युइन रिकॉर्ड के साथ चली हुई है, ये भी बिल्कुल नई गाड़ी है, टायर इसके 20-30% बचे हुए हैं, ये नहीं है कि इसमें ज्यादा टायर नहीं है, आगे वाले थोड़े घिसे हुए, पीछे वाले भी कुछ ज्यादा टायर नहीं है, टायर हो सकता है आपको चेंज करवाने पड़े। और ये है करनाल का नंबर है इस गाड़ी का, अब ये छोटी गाड़ियां हैं तो मुझे नहीं लगता मैं आपको इनको हर गाड़ी को आपको खोल के आपको दिखाऊं, ठीक है। इसकी जो डिमांड कर रहे हैं वैगनार की, सॉरी सिलेरियो की, इसकी भी डिमांड इन्होंने सिर्फ 4,25 की है, 4,25,000, बार्गेनिंग ऑन द टेबल आपकी हो जाएगी। अब आ जाइए सेवरले की बीट, जो सबसे छोटी गाड़ी और सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी रही है, और इसका जो बताया हुआ है 2015 फर्स्ट ओनर डीजल, 2015 है ये, ठीक है, HR 31 नंबर है, जींद का नंबर है ये, और ये भी बिल्कुल साफ सुथरी गाड़ी है, थोड़ी मिट्टी लगी हुई है, लेकिन गाड़ी
बिल्कुल साफ है। नंबर आप इसका देख लीजिए, और इसकी डिमांड बिल्कुल थोड़ी सी कर रखी है इन्होंने, 1,60,000 ओनली। इसके किलोमीटर नहीं पता, लेकिन ओनर ये फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट ओनर है, और गाड़ी ठीक है, ये अंदर से भी बढ़िया गाड़ी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दबा के शेयर मार दीजिएगा। अब अगली गाड़ी आ गई है, जो ये भी लोकल नंबर है, i20 2015 मॉडल है ये i20 का। एक बार दिखा दीजिए एक बार आगे से प्रोफाइल इसकी, और अंदर से भी दिखाइए इस गाड़ी को, ये भी बिल्कुल नई गाड़ी पड़ी है। ये i20 का जो है आस्था मॉडल है, टॉप मॉडल जिसको बोलते हैं डीजल में, आस्था ऑप्शनल डीजल, फर्स्ट ओनर 2015। डिमांड है इसकी 4,75,000 रुपए। पुश बटन स्टार्ट के साथ ही आती है, और इसकी जो डिमांड है इस गाड़ी की 4,75,000। नेक्स्ट गाड़ी है, ये भी i20 है, ये है मैग्ना मॉडल 2015, फर्स्ट ओनर है, 2015 का ही मॉडल है। इसकी जो डिमांड है इन्होंने की है 4,25,000 रुपए, और दोनों गाड़ी कंपनी रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा, और दोनों की दोनों बिल्कुल साफ गाड़ी है। अब आ जाइए फिगो, अपने टाइम की सबसे फेमस गाड़ी, पावरफुल गाड़ी और मजबूत गाड़ी, फोर्ड की फिगो। ये 2013 फर्स्ट ओनर है, 50,000 कंपनी रिकॉर्ड के साथ चली हुई है, और ये आपको मिल रही है सिर्फ 1,70,000 में। टायर इसके नए हैं, मतलब 70-80% टायर है इसके, फर्स्ट ओनर के साथ ये गाड़ी आती है, और ये बेस मॉडल है, लेकिन गाड़ी बिल्कुल अनटच, डॉक्टर की गाड़ी है, तो बहुत प्यारी गाड़ी है। इसके साथ आप जा सकते हो 1,70,000 में। ये भी 2013 फर्स्ट ओनर, और इसका इन्होंने मांग रखा है 2,10,000 रुपए इस गाड़ी का। गाड़ी ये भी साफ है, हल्का फुल्का जो एक दो डेंट इसमें है, देखिए यहाँ पे जो बोनेट पे छोटे मोटे डेंट है एक दो, ये दिख रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये 500-700 रुपए का खर्चा, लेकिन गाड़ी साफ सुथरी है। एक बार इसको अंदर से दिखा दीजिए, ये देखिए अंदर से भी आपको, क्योंकि ये गाड़ी सबसे ज्यादा चलने वाली गाड़ी है, कंपनी ने इसको बंद कर दिया था क्योंकि इसके आगे कोई और गाड़ी सेल नहीं हो रही थी। 1000 cc में पिकअप के साथ 20 की एवरेज ये देती है, और बहुत प्यारी गाड़ी है, चलाने में बहुत मजा आता है, पावर स्टेयरिंग पावर विंडो के साथ ही आती है, ठीक है। ये VXI है और है फर्स्ट ओनर, अभी तक ये फर्स्ट ओनर है, ठीक है, पानीपत का नंबर है। तो नेक्स्ट गाड़ी है हुंडई की सेंट्रो, 2009 मॉडल है, CNG गाड़ी में लगी हुई है, और ये आपको 1,12,000 में, यस नो में है ये गाड़ी, कोई इसमें बार्गेनिंग शायद नहीं होगी 1-2 हजार के अलावा, लेकिन गाड़ी 1,10,000 में आपको ये मिल जाएगी। सेंट्रो 2009 मॉडल है, सेकंड ओनर के साथ करनाल का नंबर है, तो इस गाड़ी के साथ आप जा सकते हो क्योंकि CNG में बहुत अच्छी है, एवरेज देती है। नेक्स्ट गाड़ी के साथ आ जाइए, वहीं से आ जा। नेक्स्ट गाड़ी आपके लिए है रिट्ज, और ये रिट्ज का है 2015 VDI मॉडल है, सेकंड ओनर। इसकी जो डिमांड है 3,25,000 है, टच स्क्रीन सोनी का अंदर लगवाया हुआ है। तो इस गाड़ी को अगर आप देखना चाहो तो आप गणेश कार बाजार पे आइए और इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लीजिए, पसंद कीजिए और ले जाइए। लोन फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, एक्सचेंज भी ऑफर यहाँ पे मिलता है, आपको बाइक देनी है, गाड़ी देनी है, स्कूटर देनी है, ट्रैक्टर देना है, घर प्लॉट जो देना है आप दीजिए। अगर आपको गाड़ी लेनी है तो कुछ भी एक्सचेंज करते हैं, जो भी एक्सचेंज करने लायक है। और इस गाड़ी की जो इन्होंने डिमांड की है 3,25,000, सॉरी मैं बता दिया था, ठीक है। अब आगे आ जाइए, आल्टो, ये LXI है, इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आल्टो है, LXI है, 2011 सेकंड ओनर, और डिमांड है इसकी 1,60,000। आगे से दिखा दीजिए एक बार, यूं डिस्प्ले दिखा दे, ठीक है। हल्के फुल्के जो डेंट है छोटे मोटे 2-4 है इसमें, बाकी गाड़ी बिल्कुल साफ है, सिल्वर कलर के साथ, बस यही है, देखिए एक दो दाग से लगे हैं, क्या लगा हुआ है इसपे, और कुछ नहीं है। HR 51 नंबर है, और ठीक है गाड़ी, ये साफ सुथरी गाड़ी है, दिख रही है जो, जिस हिसाब से 2011 मॉडल के हिसाब से सेकंड ओनर 1,60,000 में आपको ये मिल रही है। टायर इसके चारों चेंज होंगे, टायर इसमें नहीं है बिल्कुल भी, टायर तो बिल्कुल खत्म है इसके, चारों ही चारों टायर इसके बदले जाएंगे। बार्गेनिंग अपने टायर के नाम की जो बार्गेनिंग आप इसे करवा सकते हैं, आके गणेश कार पे मिल सकते हैं। अब आगे आ जाइए,
अल्टो केटन VXI 2013 सेकंड ओनर सिल्वर कलर के साथ है। 1,80,000 की डिमांड है, क्योंकि सबको पता है कि मार्केट में जो 13 मॉडल की जो डिमांड है, 2, 2.5 तक भी लोग लेते हैं। जो भी आपको इतने कम में मिल रही है कि छोटा मोटा सा जो काम होना होगा आप करवा सकते हैं। देखिए जैसे ये पट्टी है, यहाँ पे ये पट्टी हटी हुई है इसकी, अगर 100 या 150 रुपए की पट्टी आती है लग गई तो ये नहीं हो जाएगी बिल्कुल। गाड़ी लेकिन ये साफ सुथरी है, थोड़ा बहुत जो काम है 5-10 हजार का, आप इसमें कोटिंग वोटिंग करवा के अलॉय डलवा के आप इसको चलाइए, बहुत प्यारी गाड़ी है। ओनर सेकंड है लेकिन गाड़ी अच्छी है, 2013 मॉडल है, HR22 नंबर है, कहां का है मुझे नहीं पता। अब आ जाइए स्कोडा की रैपिड, मॉडल जरूर ये 2012 है लेकिन फर्स्ट ओनर है और कंपनी रिकॉर्ड के साथ चली हुई है ये गाड़ी, सिर्फ 50,000। ठीक है, ये डॉक्टर की गाड़ी है, ये देख लीजिए इस पे निशान लगा हुआ है। ठीक है, और आपको अगर ये बहम है कि स्कोडा की गाड़ी है तो बहुत महंगे पार्ट है, बहुत महंगी सर्विस है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब गाड़ी में कमी नहीं है तो खर्चा किस चीज का मांगेगी, और 50,000 में इसका कुछ नहीं बिगड़ता। रैपिड के साथ आप जाइए, बहुत अच्छी गाड़ी है और डिमांड इसकी सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए में आपको 16-17 लाख रुपए की गाड़ी आती है, जो नहीं आपको सिर्फ 3 लाख में मिल रही है, और बिल्कुल ये साफ सुथरी गाड़ी है और ये टॉप मॉडल है। एक बार आप अंदर से दिखा दीजिए इसको अंकित भाई, टच स्क्रीन इसमें लगी हुई है। ठीक है, और ये बिल्कुल बढ़िया गाड़ी, बिल्कुल साफ सुथरी। इसका सीट कवर देखिए कितने प्यारे सीट कवर है, म्यूजिक कंसोल देख लीजिए इसका, टच स्क्रीन इस पे लगवाया हुआ है, और बहुत प्यारी गाड़ी है। एक बार पीछे से दिखा दो, कुछ भी चेंज नहीं है, बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल है, पीछे कैमरा इंस्टॉल है, पार्किंग सेंसर है, और नंबर आपको एक मिनट पूछ लेता हूं, नंबर साथ है ले भाई, नंबर आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन बहुत प्यारी फर्स्ट ओनर के साथ गाड़ी है ये, और बिल्कुल नई गाड़ी पड़ी है, तेल डलवाइए और चलाइए, इससे बढ़िया गाड़ी यार कहाँ मिलेगी आपको। 12 मॉडल के साथ देखो तो पुरानी है लेकिन कितने पैसे में, सिर्फ 3 लाख रुपए में, और भी कम हो जाएंगे जब आप आओगे यहाँ पे बार्गेनिंग करोगे तो और भी कुछ कम आराम से इसका मिल जाएगा। ये है वैगनार 2020 मॉडल, और इसमें CNG फिट है, फर्स्ट ओनर है, सिर्फ 32,000 किलोमीटर कंपनी रिकॉर्ड के साथ चली हुई है, कैथल का नंबर है, और बिल्कुल नई गाड़ी है, नई शेप में है, आप देख सकते हो गाड़ी, इसके बारे में बताएं, जो टायर भी ओके हैं, 7 के टायर है, मतलब 50 या 60% इसमें टायर बचे हुए हैं, गाड़ी लो का भी है। ठीक है, लेकिन ये गाड़ी में जो हल्के हल्के बदलते फिल्म चढ़वा रखी है या कंपनी चाहती है मुझे नहीं पता, हल्के से ब्लैक लुक जो शीशे में थोड़े ब्लैक करवा रखे हैं, लेकिन गाड़ी बिल्कुल नई पड़ी है आपके सामने, 20 मॉडल है और 32,000 चले, देखिए कोई कह ही नहीं सकता, अगर आप इस पर रिबन बांधोगे तो कोई नहीं कहेगा कि 20 मॉडल है या 22 या 23 मॉडल है, बिल्कुल नई, पीछे कैमरा इंस्टॉल्ड है, कैथल नंबर के साथ जा सकते हैं, और मेरे ख्याल से अंदर तो इसकी पन्नी भी अभी तक लगी हुई है स्टीरियो के ऊपर, साफ सुथरी गाड़ी है, इसके साथ भी आप जा सकते हैं। और ये गाड़ी जो इनकी डिमांड कर रखी है इन्होंने 5 लाख रुपए, 5 लाख में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी, 5-10 मांग रहे हैं इसमें, 5-10 दिनों लिखवा रखा है लेकिन आपको 5 में मिल जाएगी, बहुत प्यारी गाड़ी। ये है टाटा की जस्ट, अब टाटा आपको पता है कि इंडिया में बहुत जल्दी नंबर वन गाड़ी हो जाएगी, गाड़ियों के मामले में नंबर वन गाड़ी कंपनी बन जानी है गाड़ियों के मामले में, अभी तक मारुति है, क्योंकि टाटा की गाड़ी धड़ल्ले से बिक रही है और बहुत प्यारे प्यारे मॉडल्स के आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले इसका जो ये मॉडल था, लुक वाइज देखो तो शायद आपको शायद पसंद ना आए, ठीक है, लेकिन गाड़ी की जो परफॉर्मेंस के हिसाब से देखो, चलाने के हिसाब से, इंजन के हिसाब से देखो तो बहुत प्यारी गाड़ी है। ये 2016 मॉडल है और 2016 फर्स्ट ओनर, डिमांड है सिर्फ और सिर्फ 3,60,000, आपको 16 मॉडल 360 में आल्टो मिलती है, अगर आप लेने जाओ तो इतने में तो आपको आल्टो केटन लोग मांगते हैं, और आपको ये जस्ट मिल रही है, 5 सीटर, लेकिन खुली डुल्ली और ऊंची गाड़ी है, टाटा का भरोसा के साथ है ये गाड़ी, बढ़िया गाड़ी है, नई गाड़ी है, तो इस गाड़ी के साथ भी आप जा सकते हैं सिर्फ 3,60,000 में। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताइएगा, और हमारे चैनल